हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि मॉडल सेट जो है क्लास 10th का भी आ गया है 2024 वाला, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें हम आपको 100 क्वेश्चन को आंसर बताएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल्स में बनाकर बताएंगे, और अगर आप पहले से बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपका इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। खुद से भी आपके पास ये PDF होगा, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भेज देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए की बात करते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका सेक्शन ए में आपका आता है। देख लीजिए, पहले हेडलाइंस यहाँ पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न के साथ 4 गो विकल्प है, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए OMR सीट में आपको चिन्हित करना है। देखिए, 50 को केवल ही बनाना है, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। जैसा कि पहले सिलेबस था वैसा ही है, इसमें आपको चेंज नहीं हुआ है। 50 को ही क्वेश्चन आपको कोई भी बना लेना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 20-52 है ना, 20-52 के आभास गुणनखंडों में 3 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको खंडित करना होगा इसको देखिए, तो 20-52 को ना आपको खंडित करना होगा। तो खंडित करने का मतलब आप लोग जानते ही है, 2 से लगाएंगे तो पहले 10 26 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आप जानते हैं 5 13 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए कि भाई अब कैसे लगेगा। तो 2 से तो अब लगेगा नहीं, 3 से आप लगा कर देख सकते हैं। तो 3 से लगाने के लिए जोड़ जाड़ के आपका कटना चाहिए, तो 3 1 4 5 9, 3 से हमें लगता है लग जाएगा। तो 3 1 3, ठीक है, 5 है तो 2 बचा, तो 2 बचा तो 2 पर 21, 3 7 21, और ये 3 1 171 बार में लग जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 3 1 3, 7 1 21, 7 3 1 2 5। अब फिर हमें लगता है कि 7 8 1 9, 3 से फिर लगेगा, ठीक है, 3 से फिर लगाइए। तो 3 से लगाएंगे तो आप देख लीजिए, 3 5 15, तो 2 बचेगा, 3 7 21। अब ये फिर 3 से लग सकता है, तो 3 से तो 19 57, अब तो लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए, एक बार हम आपको थोड़ा सा मार्कर चेंज करके बताते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर 3 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, तो 3 कै गो है, तो यानी कि 3 जो है 3 गो आया है, और 2 कै गो है, 2 गो आया है, और 19 जो है 1 गो आया है। तो आपसे पूछ रहा था 3 का घात, तो 3 का घात मतलब 3 के पावर कितना है, 3 है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी टिक करना था, ठीक है। तो चलिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत नहीं है, तो देखिए आपको याद होगा शांत होता है कब, जब हर के मतलब नीचा में, जब पी बट्टा क्यू जो है, तो क्यू जो है याद रखिएगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर होता है, तो हम कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। तो 2 और 5 सिर्फ रहना चाहिए, दोनों में से दोनों रहे तो चलेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए तो वह नहीं चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे 7 है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ 2 0 है 5 2 है, तो यानी देखिए 2 1 को बार नहीं, कहने का मतलब 2 नहीं है 5 है, इसका मतलब इसको हम 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में समझ सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार तो भाई शांत होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, 2 4 बार है और 5 3 बार, यहां भी 2 और 5 है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये देखिए, 2 है और ये 7 है, तो 7 है तो ऊपर तो 7 कटनेगा नहीं, ठीक है। तो ये अगर 7 नहीं कटेगा, इसका मतलब यही वाला जो है आपका अशांत होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, तो ये भी आपका शांत है। तो एक वो बच गया जो आपका अशांत है, और आपको वही बताना था, शांत नहीं यानी कि अशांत बताना था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में टिक करना था, ठीक है। आइए अब अगले सवाल पर। तीसरा सवाल कह रहा है, बहुपद इतना के शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या होता है, ये डमरू वाला कहाँ से आ गया। चलिए देखिए, पहले इसको ना गुना कर लीजिए, ठीक है, ऐसे गुना करिएगा तो 2x² - 5x - 3। अब यहाँ से आप सब जानते हैं, ए का मान 2 हो गया, बी का मान -5 हो गया, सी का मान -3, और आपसे शून्यकों का योग, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं -b/a होता है। तो बताइए, बी का मान यहाँ से आप देख सकते हैं -5 है, तो पहले से माइनस है, -5 ऐसे लिखिएगा, ए का मान 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए भाई, 5/2 कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है। और ये इसमें तो माइनस लगा दिया था, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में ही पहले से होता है, और ये पहले से ही माइनस यहाँ दे लेता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब आइए आपका सवाल नंबर चार पर आते हैं। चार नंबर सवाल कह रहा है, यदि समीकरण इतना जो है का एक मूल माइनस तीन है। तो देखिए इस तरह के सवाल आपका दो नंबर में भी आता है। मूल अगर माइनस तीन है इस द्विघात समीकरण का, इसका मतलब इसमें आपको एक्स का मान बैठा देना है, कितना माइनस तीन, ठीक है। इसमें तो जैसे देखिए दो गुने एक्स की जगह माइनस तीन बैठाइएगा तो स्क्वायर प्लस पी तो रहेगा, और एक्स के जगह माइनस थी ना बराबर के बाद जीरो, ठीक है। मूल कहने का मतलब होता है इस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा। तो अब इसको बनाइएगा तो आपको पी का मान आ जाएगा। तो देखिए दो को छोड़ दीजिए, माइनस तीन का स्क्वायर करिएगा तो तीन के स्क्वायर नौ होगा प्लस में, और ये प्लस माइनस तीन को पी हो जाएगा, माइनस तीन और बराबर जीरो। अब इसी को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो नौ दुनी अठारह माइनस में थ्री पी माइनस में थ्री बराबर जीरो। अब इसे आपको 18 में से 3 घटा दीजिए तो 15 माइनस थ्री पी बराबर जीरो। अभी 15 माइनस में थ्री पी है इधर आके प्लस में थ्री पी, पाँच से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, पांच बार में। तो पी का मान आप कह सकते हैं कि आपका आंसर पांच आएगा। तो मिलाइए कौन सा सही था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है, यदि बहुपद इतना, देखिए बहुपद को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस प्लस दे ले है। पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आप सब लोगों को पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए सी का मान, देखिए ए का मान तो ए दे ले है, बी का मान लेकिन माइनस बी दे ले है, और सी का मान सी ए है। तो सी का मान सी है, ए का मान तो ए है, यानी कि सी बटा ए ही आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो सी बटा ए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसमें हमें तो अल्फा इंटू बीटा पूछा, अगर यही अल्फा प्लस बीटा पूछता तो आंसर बदल जाता, ठीक है, वो प्लस बी वाई हो जाता क्योंकि यहाँ पे माइनस दिए हुए था, ठीक। ध्यान से ये सब चीज देखिएगा। छ नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, और ये तो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले इसको चेक करिए, दो के बाद पांच हुआ है ना, तो इसमें तीन बढ़ गया, उसके बाद दो बढ़ा, तो अंतर तो समान नहीं है, क्योंकि पांच में से दो घटाएंगे तो तीन, और सात में से पांच घटाएंगे तो दो, तो अंतर बराबर नहीं है, तो पहला तो एपी नहीं है। ये देखिए ये भी एपी नहीं है, क्योंकि चार हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा, ये एकदम उनचास हो जाएगा, तो एपी तो होगा नहीं। और ये एक्स 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 स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जीपी होता है, ठीक है, तो इसलिए एपी है नहीं। और इसमें देखिए एक के बाद तीन हुआ, मतलब तीन में से एक घटाएंगे तो दो, पांच में से तीन घटाएंगे तो दो, अंतर बराबर आ रहा है, तो यही वाला आपका एपी बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। आइए अब सातवां नंबर सवाल कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए आपको याद होना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है ये होता है कॉस के स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर आप पढ़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला आपको यूज यहाँ पे करना है, इसके चलते हम क्या लिखेंगे, कॉस के स्क्वायर थीटा और गुना, और ई वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के चलते क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं कि कॉसिक थीटा को आप लिख सकते हैं वन बाई साइन स्क्वायर, उल्टा का साइन का उल्टा कॉसिक होता है, और ये साइन आप छोड़ दीजिए तो आप इसको काट सकते हैं, तो कितना आंसर आएगा, एक आएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि कॉसिक इंटू साइन क्या होता है, वन होता है स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब आइए आपका आठ नंबर सवाल को देखिएगा, समीकरण इतना जो है का विविक्तर पूछ रहा है। विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको आप विवेचक के नाम से जानते हैं, जिसको आप डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो बी का मान पहले क्या करिए, इसमें ए बी सी का मान छाट लीजिए, ए का मान पांच, बी का मान माइनस चार, और सी का मान दो है। यही मान को आप यहाँ पे रख दीजिए, बी का मान माइनस चार का स्क्वायर, फोर ए का मान पांच, सी का मान दो रखिएगा। तो चार का देखिए माइनस का स्क्वायर है लेकिन प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सोलह, और ये हो जाएगा पांचों का बीस दूनी चालीस, तो बीस दूनी चालीस कितना बचेगा, माइनस में आपका चौबीस बचेगा। अब आप बताइए माइनस में आने का मतलब जीरो से छोटा है, या ऐसे भी आपसे तो खाली माने पूछ रहा है, तो माइनस चौबीस आपका आंसर होगा, ठीक है। डी का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल तो पहले से ही आप बना ही लिए होंगे, इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब नौ नंबर सवाल कह रहा है कि इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। इसमें भी आप मूलों की प्रकृति जब पूछे, यानी कि नेचर पूछे रूट्स का, तो भी आपको डी ही निकालना होता है। तो डी निकाल के देखिए, पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फॉर्मूला याद है आप लोगों को। बी का मान देख लीजिए कितना है, माइनस चार है, तो माइनस चार का स्क्वायर करिएगा फोर, ए का मान दो है, सी का मान तीन है ना, तो चार के स्क्वायर सोलह माइनस चार दूनी आठ तिरी चौबीस, यानी कि ये आपको क्या दिख रहा है, देखिए चार के स्क्वायर सोलह, चार दूनी आठ तिरी चौबीस, तो ये तो माइनस में आठ आ रहा है, और माइनस में आने का मतलब होता है जीरो से कम। तो जीरो से जब डी का मान छोटा होता है तो आप याद कीजिए क्या होता है, इसका मूल वास्तविक नहीं होता है,
मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे आप बताइए मूल वास्तविक नहीं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्तविक नहीं, यानी पहला आंसर ही आपका सही है। क्योंकि देखिए वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान जीरो आता है तब वास्तविक और समान बोलते हैं, डी का मान जीरो से बड़ा आ जाता है तब उसको वास्तविक और असमान बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो जीरो से छोटे आ गया, माइनस में आ गया, तो इसको बोलते हैं वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा 10 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन इतना का एक मूल है। तो मूल निकालने का मतलब रूट्स निकालना है, तो सबसे पहले इसको आप बना सकते हैं। तो आप ट्रिक से आप जल्दी चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन में ही इसको रख के एक्स का मान इसमें रख के देखिए, जो जीरो ला देगा वही आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसको फैक्टर कर लीजिए, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए माइनस में 3x है, लाना 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में एक्स, क्योंकि -2 और -1 -3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस भी आ जाएगा, बराबर 0, फैक्टर कर लेते हैं। इसे आप x कॉमन लीजिएगा तो x -2 बचेगा, ये इस दोनों में से कॉमन ले लिए, ये दोनों में से -1 कुछ नहीं तो -1, तो x -2 बचेगा बराबर 0। इसी को हम लिख सकते हैं x -2 और x -1 बराबर 0। जब जब कब कब निकालिएगा तो एगो x का मान 2 आएगा, एगो 1 आएगा, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अब आप देखिए ऑप्शन के अनुसार बताइएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 तो होगा नहीं, -1 होगा नहीं, -2 होगा नहीं, तो 2 आपका आंसर चल सकता है, ऑप्शन डी आप मारिएगा। ठीक है, तो कौन सा शून्यक है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ये कि एक भी शून्यक है, दो भी शून्यक है, मतलब मूल है, लेकिन आपको आंसर में एक एक कोई देना है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहां पर 2 दिखाई दे रहा था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए भाई 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि किसका गुणनफल जो है एक परिमेय संख्या आएगा, मतलब ये दिनों में गुना कर करके देखना है कि किसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये रूट है, रूट 5 दिया, ये रूट 15, 15 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो गया, ठीक है, परिमेय नहीं है। ये देखिए 963, तो रूट 63, तो ये भी आपका परिमेय है नहीं, निकलेगा नहीं, लेकिन ये 8 गुना 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल आप सब जानते हैं कि 4 होता है, कैसे भाई, तो 4 गुने 4 आप नहीं लिख सकते हैं, तो 4 गुने 4 तो 1 और 4 निकल जाएगा, लेकिन ये देखिए 6 3 18, तो √18, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो सकता है, तो आपका परिमेय संख्या मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 12 नंबर देखिए भाई, तो निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 को तो आप खंडित कर ही सकते हैं, खंडित मतलब ये फैक्टर करिए, 2 से लगाइए तो 2 7 14 और 7 2 14 है ना, इस तरह से लगा सकते हैं, 77 7 14 7 14 1 15। अब ये लगाइए, अब कैसे 7 से ही लगाएंगे तो 11 7 77। अब आप बताइए 11 से लगा सकते हैं एक बार में, तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 2 आया 7 आया और 11, बस और सब तय का ये गो है, तो देख लीजिए 2 7 11 यही वाला आपका आंसर होना चाहिए, पहला आंसर ही सही हो। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस तो आप खुद से पहले से भी बना लिए होंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आते हैं, पूछ रहा है क्या, देखिएगा निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय का मतलब होता है जिसका घात एक होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, मैक्सिमम एक के होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक है, लेकिन क्या है कि एक से एक सी टपक ही जाएगा, तो 5 बराबर 7, तो ये तो एक घातीय है ही नहीं है। ये देखिए ये अगर इसको तोड़ेंगे तो एक से स्क्वायर, देखिए ये आपका घात 2 है तो ये होगा नहीं, इसमें भी घात 2 है तो ये होगा नहीं। अब रही बात कि आप गौर से देखिए, अब ये को बच गया ऑप्शन नंबर बी, अब इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² अब बराबर के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक टपक जाएगा तो अटकेगा क्या, देखिए 2 में 1 से तो कितना आएगा 2x + 1 बराबर में 4x + 2। अब एक तरफ कर लीजिए तो इधर आ जाएगा, है ना, इसमें देख लीजिए 2 में से घटाएंगे तो इधर 1 - 2 लिख लीजिए, ये +2 को इधर लिया है, तो यानी कि 4x - 2x, यानी कि -1 = 2x लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें तो एक घात वाला है ना, इसमें x का मान निकाल सकते हैं, एक घात वाला है, घात एक होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही था। ऐसे भी आप इसको चेक कर सोच लीजिए, इसमें पावर 2 था, इसमें भी 2 था, और ये तो कट ही जाता, एक है लेकिन ये तो एक से एक बर्बादे हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी आपको सही मारना है। ठीक है, अब आइए अगला सवाल पर आते हैं भाई, 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण। तो द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसका घात 2 होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़िएगा, तो इसको गुना करिएगा तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टपक ही जाएगा ना, ना बराबर के बाद पहले है तो एक्स स्क्वायर वाला गायबे हो जाएगा, तो इसमें द्विघात आएगा नहीं। ठीक, अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐसी टपक रहा है तो ये भी द्विघात आएगा नहीं, ऐसे चेक करिएगा।
अब ये तो भाई द्विघात है, ये तो है, और ये देखिए ये नीचा हो गया, तो नीचा हो गया तो एक्स स्क्वायर आ जाए गुना, इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ऐसे भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, आ जैसे ही एक्स गुना होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, तो यानी कि एक तो जिंदा बच रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि द्विघात तो आप पहचानते ही हैं। 15 नंबर कह रहा है यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है, कहती है मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होता है, तो आपको याद होगा कि d का मान 0 के बराबर होता है। मूल बराबर कब होता है, जब d के मान 0, तो d का मान तो आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब भाई b का मान रख दीजिए, तो b का मान देखिए यहाँ पे माइनस में 3k है, तो माइनस में 3k स्क्वायर, 4a का मान 4 है, c का मान 1 है, बराबर 0। इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब माइनस का स्क्वायर जब करिएगा, थोड़ा सा इसको मार्कर को चेंज कर लेते हैं, इसको जब स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3k² 9 और k का स्क्वायर, माइनस में 4 चौका कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। अब इसको बनाइएगा तो 9k² बराबर माइनस में 16 बराबर जाएगा, तो प्लस में, तो इसको बनाइएगा तो k² बराबर आएगा 16/9। आप सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है 16/9। अब आप ये भी जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का होता है 3, यानी ये वाला आपका सही आंसर होना चाहिए। तो कौन सही है देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका, सॉरी सी बोल रहे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सी में क्या है 3/4 है, और आपका आंसर कितना आया है 4/3 आया है। ठीक है, 15 कंप्लीट हो गया है। अब आइए 16 नंबर सवाल। 16 में कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल दे ले हैं -15, तो सबसे आपको पता है योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे ले है 2, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दे ले है -15। तो पूछ रहा है कि वह द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको मान बैठा देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान देख लीजिए, तो कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 और एक्स तो रहेगा प्लस, और ये अल्फा बीटा के मान कितना है गुना में, तो -15, तो माइनस में 15 ऐसे घेर के। अब इसको एक बार तोड़ दीजिए तो 2x आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब मिला लीजिए भाई कौन सा सही है आपका करेक्ट आंसर, तो किधर है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात सब समझ में आ रहा होगा, और हम आराम से बता रहे हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को सीख पाए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ठीक से, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इस बार 9 पूछ रहा है। तो देखिए इस 16 में से 12 घटाइए तो 4 आएगा, 20 में से 16 घटाइए तो 4 आएगा, तो ई वाला तो है, लेकिन है वाला आंसर नहीं देना है, 9 वाला देना है, तो ए वाला तो एगो 9 है, ये आप तो जानते हैं कि जी एपी में नहीं होता है। ऐसे देख लीजिए 4 आएगा, 25 आएगा, 49 आएगा, तो ये 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 1 के तो बहुत हो जाएगा, है ना, 24 हो जाएगा, तो ये तो बराबर नहीं है, यही वाला नहीं है, तो ऑप्शन बी मानना है, क्योंकि देखिए ई घटाइए 3 में से 1 तो 2a, 5 में से 3 तो 2a, ये तो बराबर आ रहा है, एपी में तो ये है, और देखिए 5 में से 3 तो 2 और 7 में से 3 तो 2, तो एपी में आपको 3 को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पूछ रहा था 9, कौन 9 है, तो 9 कौन वाला है, ऑप्शन बी वाला नहीं है। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर बताइए, तो सार्व अंतर आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, डी जिसको बोलते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा पद कितना है 8 है, तो √8 में से √2 को घटा लेना है, तो आप जानते हैं 8 का वर्गमूल मतलब 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, एगो 2 निकल जाएगा, कहते हैं ना जोड़ा में से घोड़ा निकल जाता है, एगो अटक जाएगा ही, यानी कि 2√2 आएगा, तो इसके चलते आप लिख सकते हैं 2√2 और माइनस में √2, 2 में से 1√2 घटा लीजिएगा तो 1√2 बचता है ना, जैसे 2x में से आप 1x घटाते हैं तो कई गो एक्स लिखते हैं, 1x, एक तो लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ रूट सीधा x बोलते हैं, तो यहाँ 2√ मतलब 2√2 में से 1√2 घटाइएगा तब बचेगा √2, ऐसा ना कि √2 से √2 कट गया तो 2 बचा लीजिएगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक मत कीजिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आइए अब 19 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में है मतलब एपी में है, ठीक है, और तो एक्स का मान बताइए, तो आप याद कीजिए यहाँ पे 3 गो पद दिले हैं, कै गो पद दिले हैं, 3 गो पद दिले जो एपी में है, तो 3 गो पद अगर एपी में होता है तो आप सबको याद होगा कि दूसरा माइनस पहला
बराबर होता है तीसरा माइनस दूसरा, याद है ना। तो दूसरा पद में कितना है, दूसरा पद मतलब ये 3x है, तो लिखिएगा 3x, बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको t1 मतलब पहला पद, तो पहला पद x प्लस 2 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा, अगर ब्रैकेट में ना लिखिएगा तो गलती हो जाएगा। बराबर अब आपको देना है तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 4x प्लस 1 है, ब्रैकेट में ही लिखिएगा, माइनस दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ। और उसके बाद आपको किसका मान लिखना है, t2 का, तो t2 मतलब दूसरा पद कितना है 3x है, तो यहाँ पे 3x लिखिएगा। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए पहले, ये देख लीजिए 3x माइनस एक्स, ये माइनस 2 हो जाएगा, इसको भी जोड़ ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो ये तो 4x प्लस 1 माइनस 3x रहेगा। अब इसको बना लीजिए, देखिए ध्यान से, तीन में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 2, और इधर देखिए चार में से तीन घटेगा तो x प्लस 1। अब फिर आप x वाला को इधर लाइए, तो x को इधर लाइएगा तो 2x माइनस एक्स, इधर एक है, ये माइनस में 2 जो है ये वाला इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा 3 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही वाला आंसर है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। आइए अब अगले सवाल पर, ये देखिए 20 नंबर सवाल कह रहा है कि टैन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। तो सबका मान आपको अगर आपको याद है तो रख दीजिए, और न याद है तो बस इसको एक नियम लगा सकते हैं कि साइन का इस तरह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ना तो माने रख दीजिए, सबसे आसान तरीका। टैन 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, गुना साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, कॉट 60 जो होता है वो टैन 30 के जैसा होता है तो 1/√3 रहेगा, और कॉसेक 30 जो होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का 1/2 तो ये 2 होगा। अब आप इसको आराम से बना सकते हैं, तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर है। तो देखिए ये 2 से 2 तो टपक जाएगा, तो गुना करेंगे 1 और √3 में √3 से, तो सीधा सीधा 3 आएगा, यानी 1/3 आपका सही वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, तो बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। देखिए 21 नंबर सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का दसवां पद पूछ रहा है, तो दसवां पद का मतलब होता है ए 10 निकालना है, ए 10 का मतलब होता है ए प्लस 9d, आपको याद है क्या ये फॉर्मूला है ना, आप टी 10 भी बोल सकते हैं, ए वो कम कर देते हैं, फॉर्मूला आपको ये याद होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए 10 पूछ रहा है, तो ए प्लस 10 माइनस 1, 10 में से घटाएंगे तो ए प्लस 9d आएगा, तो बस आपको इसमें मान रख देना। तो ए का मान कितना है देख लीजिए 10 है, और डी का मान कितना है 7 में से 10 घटाइएगा तो माइनस में कितना आएगा 3, तो यहाँ रख दीजिए ए का मान 10 प्लस 9, डी का मान माइनस 3, तो 10 माइनस 9 27 तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा माइनस में 17 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आइए 22 नंबर सवाल कह रहा है इतना का कौन सा पद 47 है, कौन सा पद है, तो ये अगर ऐसे पूछे तो आप समझिएगा कि ए एन के मान दे दिया है 47, ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 47। अब इसमें आप मान रखिएगा, ठीक है, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान पता है, पता कर लीजिएगा ना, ए का मान तो 2 है, लिख देते हैं ए का मान 2, और डी मतलब 7 में से 2 घटाएंगे तब 5 आएगा, तो यहाँ डी का मान 5 और बराबर 47 लिखिएगा। अब इसको आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको आप ब्रैकेट तोड़ लीजिएगा, इसमें ऐसे गुना कर लीजिएगा, तो ये 5 एन हो जाएगा, माइनस ये 1/5 हो जाएगा, अब बराबर के बाद 47। अब सबको जोड़ घटाव करिए, तो ये 5 एन रहेगा, 2 में से 5 घटाएंगे तब माइनस में 3 बराबर 47, किसी भी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, यानी 47 प्लस 3 हो जाएगा, तो यानी 47 और 3 50 काटेंगे तो कई बार में कटेगा 10 बार में, तो एन का मान हो गया 10 आपका सही वाला आंसर है, ठीक है। तो यानी कि कैमा पद दसवां पद, इसका ट्रिक बताते हैं, अगर आप ट्रिक समझ पाए तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप क्या करिएगा, सबसे अंतिम में जो पद रहता है उतना में से घटाइएगा, 47 में से घटाइएगा, ठीक है, पहला पद को कितना है 2, और बटा में आपको जितना अंतर है 7 में से 2 घटाइए तो 5 से भाग प्लस 1, डायरेक्ट इतना कर दीजिएगा, 47 में से 2 घटेगा तो 45 बटे 5 प्लस 1, 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 10, यानी दसवां पद डायरेक्ट, अगर समझ पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डिटेल जानकारी ऐसे लीजिएगा, ठीक है।
अब आइए 23 नंबर सवाल, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला याद होगा तो बड़ी काम का चीज है ये, आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा सर हम आपको बताते हैं। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या, जैसे 1 है 3 है 5 है डॉट डॉट डॉट, अगर एन पूछे आई सब का क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। बस खाली एन स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो एन का मतलब कितना है, एन का मान 10 है तो सबका योगफल अगर पूछे तो इसका कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। एन मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको बनाना चाहे, आपको नहीं पता कि भाई कैसे बनता है, तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या, मतलब 1 1 आया 3 आया 5, ऐसे ना विषम संख्या है, 7 आएगा डॉट 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 कै तक जाएगा, 10 को कहा है, तो यानी कि 10 पद तक, 10 पद ऐसे। तो ए का मान देख लीजिए 1 है, ए का मान 1 है, डी का मान आप घटाइएगा तो 3 में से घटेगा तो 2 आएगा, और एन का मान 10, और आपको निकालना होगा एस एन। एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 ((2a+n-1)) d, ई वाला लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। एन का मान 10/2, ए का मान कितना है 1 है, और एन का मान 10, तो 10 - 1 का डी का मान कितना होगा 2, ऐसे बनाना होगा। 10/2 तो 5 कट जाएगा, ई वाला 5, और ये 2 + 10 में से 1 हटेगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और ये 5 + 18 = 20, और 20 + 5 कितना होता है 100 होता है। तो डायरेक्ट ऐसे, डायरेक्ट अगर आपको याद है ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट बना दीजिए, नहीं तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा दोनों तरीका से। 24 नंबर पूछ रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनमा पद, यानी टी एन, देखिए ए एन से भी लिखते हैं चाहे टी एन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनमा पद इतना दिया है, पूछ रहा है चौथा पद, ये सबसे सस्ता सवाल है। इसमें आपको करना क्या होता है, बस खाली एन के जगह 4 इसमें बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ जैसी बैठाएंगे तो टी 4 हो जाएगा, इधर भी आपको एन के जगह 4 बैठा दीजिए, तो 2 × 4 + 5, अब देखिए 4 × 2 = 8 और + 5, 8 × 5 कितना होता है 13 होता है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। आप देखिए 25 नंबर कह रहा है कि px का मान इतना है, gx का मान इतना है, से भाग देने पर px/gx का घात कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले px ऊपर रखना है, तो ऊपर में कितना रहेगा x^5 + 1, नीचे में कितना रहेगा gx, तो यहाँ x + 1 है। अब देखिए ये पर घात कुछ ना था, 1 है, ये पर 5 है, तो 1 है तो 1 में कैसे गुना करिएगा कि 5 आएगा, मतलब कितना, जैसे भाग दीजिएगा ऐसे x + 1 से भाग दीजिएगा, अगर x + 5 ऐसे, तो आपको लगाना कितना होगा x^4 से, तब ना x^5 आएगा कटने के लिए, यानी कि भाग कितना आना चाहिए, power 4 वाला से लगाना होगा, तो भाग देने के बाद यहाँ 4 power आना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, यानी आपसे सीधा सीधा घात पूछ रहा है कि भाग देने के बाद जो आएगा तो घात कितना आएगा, तो घात इसका 4 आएगा, ठीक, घटा लीजिएगा ऐसे। अब आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए 26 नंबर सवाल, देखिए बहुपद इतना का शून्य का अगर -3 है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन px का एक गुणन खंड होगा। तो सुनिए ध्यान से, गुणन खंड अगर आपसे कभी पूछे, ये बहुत बार पूछता है, गुणन खंड अगर पूछे तो देखिए जितना उसका शून्यक होता है उसको आप ऐसे कर दीजिएगा, x देखिए ऐसे कर दीजिएगा, -3 है तो आप क्या करिएगा, x + 3 इसका शून्यक होगा। लेकिन अगर 3 शून्यक रहता तो इसका क्या करते, x - 3 उलट दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए a अगर कोई शून्यक है तो इसका गुणनखंड x - a होगा, अगर कोई मान लीजिए -a उसका शून्यक है तो इसका गुणनखंड x + a हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इसको 0 के बराबर करिएगा, जैसे मान लीजिए x + 3 हम लिखे, ठीक है, अब x + 3 = 0 लिखेंगे तो इसे आपको x का मान देखिए -3 आया कि नहीं, तो यहाँ -3 कह रहा था, तो इसलिए आपको उलट के लिखना। अगर वैसे ना समझता ऐसे भी समझ लीजिए कि x = लिख लीजिएगा -3, ये कहा है ना -3 शून्यक है, तो इधर ले आइए तो -3 इधर आके +3 होने कुछ ना था 0, तो ये वाला तो यानी गुणनखंड कितना बनता है x + 3। सीधे से ऐसे बात याद रखिएगा, अगर वो माइनस में कहे तो प्लस में गुणनखंड, और प्लस में कहे तो माइनस में, तो माइनस में कह रहा था इसका आंसर पहला होगा। ठीक है, आप ई वाला मत मारिएगा, ठीक ना। आइए 27 नंबर कह रहा है कि इतना का एक हल है, हल कहने का मतलब होता है इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, कौन वाला जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, मतलब समीकरण को सही LHS RHS ऐसे जो बोलते हैं ना उसमें रख के देख लेना। तो x का मान आपको पहले चेक कर लेना है इसमें, तो रखिए 2 × -6 और 5 × 1, y का मान 1 है, तो देखिए कितना आएगा, -12 - 5, तो -17 आ गया, तो 7 तो नहीं आया, तो पहला आंसर होगा नहीं। दूसरा चेक करिए, इस बार x का मान 3 y का मान 1, इसी में तो 3 × 6 - 5, 6 में से 5 घटेगा तो 1, यहाँ तो 7 लाना है, तो ये हो गया।
अब ये देखिए -1 और +1 चेक करिए इसमें, ठीक है। तो 2 गुने -1, अब -5 गुने 1, तो ये अभी हमको लगता है -2, अब -5, तो ये -7 आ गया, ये हो बेचारा गड़बड़ आ गया। अब 6 रख के देखिए इसमें, ठीक है। तो 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, -5 एकम 5, तो 5 ही ना रहेगा, 12 में से 5 गया 7। तो कौन वाला सही आंसर आपको सेटिस्फाइड किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी वाला जो है आपका सही वाला, मतलब उस समीकरण को जो सही कर देगा, LHS RHS बराबर आएगा, वही उसका सोल्यूशन होगा, उसी वही उसका हल होता है, ठीक है। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 का आलेख पर है। तो देखिए x बराबर 4 का आलेख कैसन होता है, पहले ऐसे ग्राफ आपको खींचने आता होगा। x बराबर 4 जब कहे तो आप याद रखिएगा, ठीक है, x बराबर 4 अगर कह रहा है तो x पर, x के 4 पर खड़ा कर दीजिएगा, 1 2 3 4, और यहीं से आपको इसे खड़ा कर देना है, ठीक है, ऐसे खड़ा कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये 4,0 इसको बोलिएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर इसे 4,0 ऐसे रहेगा। तो देखिए 4,3 आपका हो सक, ये देखिए एक्स एक्स बराबर 4 के आलेख पर है, तो ये जो है आपका पॉइंट जो है 4,3 भी आपका ये ऐसे रह सकता है, ये 4,4 भी रह सकता है, क्योंकि 4 तो होगा ही होगा। देखिए 4,3 यहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ होगा, फिर यहाँ पर भी बहुत सारा पॉइंट होगा, एक्स का मान 4 होना ही चाहिए, एक्स का मान 4 होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी एक्स का मान 4 है, इसमें भी एक्स का मान 4 है, इसमें भी एक्स का मान 4 है, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आपको मारना होगा इनमें से सभी, ये सब आंसर हो सकता है, ठीक है। एक्स बराबर 4 का जो ग्राफ है वो खारा लाइन है, तो इसमें x का मान 4 रहना चाहिए। अगर यही कह देता 1 3,4 तो गलत हो जाता है, क्योंकि x का मान आपको 4 देखना है, तो x का मान इसमें भी 4 है, x का मान इसमें भी 4 है, x का मान इसमें भी 4 है, y का मान कुछ हो जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x बराबर 4 के आलेख पर होगा। तो कौन सा सही है, सब सही है इसमें, ठीक। अब आइए 29 नंबर सवाल कह रहा है कितना के लिए a 20 - a 10 निकालना है। a 20 का मतलब आप जानते हैं a+19t, याद है, a+20 है तो 1 घटा के माइनस, और a 10 पूछ रहा था, a+10 मतलब 9d, ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो a- a- -d हो जाए, a से तो टपक जाएगा, तो कितना बचेगा, 19 गो d में से 9 गो d घटाइएगा तो 10 गो d आएगा, तो 10 के 10, और d का मान आपको यहाँ से निकाल लीजिए, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा ना, तो d का मान 4 है तो यहाँ 4 रख दीजिए, तो 10 6 40 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही, ठीक है। अब 30 नंबर सवाल कर रहे इतना कि आलेख ऐसी दो रेखाएं हैं कैसन है, तो संपाती है कि समांतर है कि परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यह इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो 5 बेचारा है ना, इसको इसको गुना कर दीजिए ऐसे, तो कितना पहला समीकरण कितना है, 5x - 15y बराबर 8, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 15x, 9 5 45y आप बराबर के बाद 24, ठीक। अब इसको सबको भाग दे के देखिए, तो आप जानते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तीनों निकाल के देखिए, देखिए a1 के मान कितना है, 5 है, बटा में 15, माइनस में 15 बटा -45 बराबर 8/24, ये सबको काटिएगा ना, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, सब कटेगा तो 1/3 आएगा तीनों का मान, तो तीनों अगर बराबर आ रहा है तो बताइए, ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, तो ऐसा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत हल होता है, यानी कि इसको संपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपाती, याद होगा ना, ये क्या है, अगर देखिए आपको याद दिला देते हैं, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं होता, ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है, देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज करके याद दिला देते हैं, a1 बटा a2 अब b1 बटा b2 अब बराबर न होता है c1 बटा c2, तो इसको समांतर बोलते हैं, तो ऐसा तो है ना, क्योंकि तीनों बराबर है, तो इसीलिए इसको संपाती बोलेंगे, ठीक है। आइए 31 नंबर सवाल पर कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना और इतना है, मतलब 49 और 81 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात, तो आपको पता है संगत भुजाओं का वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो बस आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है, 49 और 81 का सबको वर्गमूल निकाल देना है, भुजाओं का पूछ रहा है तो वर्गमूल निकाल देना है, लेकिन अगर क्षेत्रफलों का पूछे तो वर्ग कर देना ऐसे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, तो 7:9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही वर्ग। और ऐसे भी देखिए 9 7 कहाँ से आ जाएगा, उसको 49 का 9 होता है, नहीं, उलट दिया, गलती कर दिया, 9 और 8 कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, 7 और 8 8 कहाँ से हो जाएगा, 64 रहता तब ना 8 आता, ऐसे भी आप चेक कर सकते थे।
32 नंबर सवाल देखिए भाई, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा इतना है ना कि अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, इस बार देखिए क्षेत्रफल भुजा का देले है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल जब पूछे तो वर्ग कर दीजिएगा इस सबको, तो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, यानी कि 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, क्योंकि आप थ्योरम पढ़े होंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वर्गों के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ऐसे, तो ये 16:25 आना चाहिए, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक, अब आइए आपका 33 नंबर कह रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण एगो 24 है एगो 32 है, तो प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो देखिए समचतुर्भुज का मतलब पहले आप सब लोग जानते होंगे, समचतुर्भुज का मतलब होता है सब भुजा बराबर होता है लेकिन ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये विकर्ण जो है ना, इसका ये जो विकर्ण है एगो कितना दे ले, एगो 24 है, एगो बड़का वाला 32, बड़का वाला 32 है, मान लीजिए 32 है, और यहां से यहाँ ई जो होगा वो 24 होगा। तो आप सबको पता है कि अगर ये 24 है तो ये आधा आधा विभाजित कर देता है, आधा पर विभाजित करता है। ठीक है, जैसे पूरा 24 था ना, यहां से लेके यहां तक 24 था, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। ये देखिए पूरा अगर 32 है तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16, और आपको ये वाला भुजा निकालना है, ये वाला। तो ये निकालने के लिए आप जानते हैं ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये कर्ण हो जाता है, ये क्या है, कर्ण है आपका। तो कर्ण का मान निकालने के लिए दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि रूट अंडर लिखेगा 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। अब इसको आप बना सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए 16 के स्क्वायर होता है 256 और 12 के स्क्वायर 144, जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये हमें लगता है 400 आ जाएगा, 400 का वर्गमूल होता है 20, क्योंकि आप 20 × 20 लिख सकते हैं, तो 20 × 20 निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन वाला सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, यहाँ पे ये आपको नियम लगाना था। अब देखिए भाई 34 नंबर कह रहा है क्या कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60, तो टेन 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। अब ये बताइए कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान टेन 30 के जैसा होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप बताइए ध्यान से, 1/√3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाए क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसको भी 1/3, इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए, तो ऊपर में 2 और नीचे में 3, 2/3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही वाला आंसर। ठीक है, अब 35 नंबर देखिए भाई, 35 नंबर में कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में अगर AB/DE, देखिए ये AB है और ये DE है, ठीक है, AC यानी कि ई वाला AC जो है DF के बराबर है, तो दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप है मतलब कह रहा है कि समरूप होगा, कब तो समरूप होगा, तो याद रखिएगा कोना कोना बराबर होता है, A किसके बराबर, D के बराबर, B किसके बराबर, E के बराबर, और C किसके बराबर, F के बराबर। तो बताइए इसमें पूछ रहा है A/D होगा, A/D तो सही है, और C बराबर क्या होगा, C/D होगा, नहीं होगा, C/D नहीं होगा क्योंकि A/D होगा, फिर B/E होगा, तो देखिए BE के बराबर है, हाँ ये तो हो सकता है। ठीक है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा AC/DF का है, एक सेकेंड हम इसको ऐसे चेक कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे त्रिभुज बना लीजिए एक बार, ठीक है, इसको AB/C नाम दिया, एक और त्रिभुज ऐसे दिया, इसका नाम दिया है DEF, लेकिन क्या क्या कहा है इसे देखिएगा ध्यान से, AB/DF ये वाला बराबर है ना, ये भुजा बराबर है, उसके बाद फिर कहा AC यानी कि ये भुजा, ये देखिएगा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये वाला जो भुजा है इसके बराबर, किसके बराबर, DF, ये भुजा इसके बराबर है, तो यानी कि, और ये जो कहा है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज करके ये समझिए, ये जो भुजा है वह इसके अनुपात के बराबर है, तो ये भी इसके अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, सामने सामने कोण बराबर होना चाहिए, समरूप होगा, अगर समरूप है तो ये कोण जो है, ए जो है वह डी के बराबर होगा, बी जो है वह ई के बराबर होगा, और सी जो है वह एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए जो है देख लीजिए डी के बराबर सही है, बी जो है आपका कितना इसके बराबर, ये भी आपका सही है, और बी जो है एफ के बराबर, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 आंसर देना चाहिए था, लेकिन आपको आंसर 1 है, तो आप ये मार दीजिएगा A/D कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये भी आपका B/ भी आपका ई चलेगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, तो दोनों आपका आंसर होना चाहिए था। अब आइए, समरूप होने का मतलब ये है, अब आगे अब देखिएगा, यहां एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर आपको पहला ही ये वाला मानना है। ठीक है, आइए अब अगला सवाल,
36 नंबर का आ रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है वो समरूप है, ठीक है, समरूप है, उसमें सर्वांगसम कहता है तब बराबर होता है सब, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे समरूप कह रहा था। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वह पीक्यूआर के क्षेत्रफल अंतराल का अनुपात देले है। तो पूछ रहा है बीसी और क्यूआर, तो बीसी में देखिए ये बीसी है और ये में क्यूआर है, तो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो ये क्षेत्रफल का देले है, आप भुजा का पूछ रहा है, तो बस वर्गमूल निकाल दीजिएगा, 121 अनुपात 169, तो 11 का एक्स और ये होता है 13, 11 13 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। भुजा का अनुपात पूछ रहा है, त्रिभुज क्षेत्रफल देले हैं तो वर्गमूल निकाल दीजिए, लेकिन अगर भुजा का देले रहता और क्षेत्रफल पूछता तो वर्ग कर दीजिएगा उल्टा, ठीक है ना। अब ये बउआ वाला सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो जानते ही है कि 1 होता है। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है समरूप त्रिभुज है, पूछ रहा है कोण बी 47 डिग्री है, कोण आर 83 डिग्री है और कोण ए पूछ रहा है, तो समरूप त्रिभुज है, तो गौर से देखिए, नहीं सम हाँ समरूप है, देखिए यहाँ ये आप बना लीजिए उसी तरह से ए बी और सी, और एक त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए पी क्यू आर करके, पी क्यू आर, ठीक है। अब ये देखिए बी जो है ये कितना डिग्री है, 47 डिग्री है, आर जो है ये 13, देखिए ये 83 डिग्री है, ठीक। तो ये देखिए 47 अगर ये है तो ये भी आपका सेम होना चाहिए, ये भी 47 डिग्री ही होना चाहिए, पूछ क्या रहा है भाई कौन ए पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, तो ये 83 है तो ये भी आपका 83 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये जितना होगा इतना ही ये है, तो आप क्या करिए 180 में से आप घटा लीजिए, 180 में से घटा लीजिए दोनों जोड़ के, 47 प्लस 83, ठीक है, तो 180 में से घटाइएगा तो पहले कितना आएगा, 7 3 10, 8 4 12, 12 1 13, यानी कि आपका कितना आएगा 50 डिग्री आना चाहिए, तो आपका पहला आंसर ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई 39 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, तो अगर 2a मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2 के अनुपात में है, और BC का मान 8 है, BC का मान कितना है 8 है, और QR का मान पूछ रहा है, तो BC यानी कि BCA है और आपसे QR ये पूछ रहा है, तो दोनों सबका अनुपात बराबर ही होता है, ठीक है, बराबर इसका 1/2 है, तो आप जानते हैं कि सबका अनुपात बराबर AB/PQ बराबर ही होगा BC/QR के, सबका अनुपात बराबर, तो इसका तो 1/2 है और इसका BC का मान 8 है और QR का मान नहीं पता है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो QR बराबर R/16 आंसर आएगा, 16 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन सी सही है। अब इसको देखिए ध्यान से, 40 नंबर में क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, AD परपेंडिकुलर टू BC, एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बना लीजिए भाई, तो एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ठीक है, अब इसमें A है, इसमें B है और इसमें C है, और AD कहा इस पर एक पर लंब कर दिया, इस पर क्या कहा है लंब कहा है AD, ये जो AD है BC पर लंब है, और AD का मान DC का मान 8 सेंटीमीटर है, AD ये जो AD है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको हटाइए, हाँ देखिएगा AD का मान ये 8 है, DC का मान यानी यहाँ जो D है ये भी आपका 8 है, और पूछ रहा है BC का मान 14 भी है, BC यानी ये कन्ने है भाई, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 14 है, तो ये आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, तो पूछ रहा है AB का मान क्या होगा, तो ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये वाला, तो इसका एक फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला आपको पहले बताते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये लंब अगर है इधर भी तो 90 ही बनेगा, ठीक है, 90 बनेगा, तो आप ऐसे आप निकाल सकते हैं आराम से, ये वाला जो भुजा पूछ रहा है ए भी पूछ रहा है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल दीजिए, H² √PA² + BA² करके, तो कितना आएगा 8² + 6² तो यह आएगा 64 + 36, 64 36 कितना होता है 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो पहला ऑप्शन सी आपका सही है, थोड़ा मार्कर अजीब गरीब हो गया, हाँ ये ऑप्शन आपका सी नंबर सही है, ठीक है। अब आइए आपका ये 41 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का परिधि, परिधि का मतलब होता है 2πr, ठीक है, और व्यास से, तो व्यास मतलब डी होता है, दोनों का कितना सेंटीमीटर, व्यास से क्या ज्यादा है 9 ज्यादा है, ये वाला परिधि, ठीक है, तो 2πr बराबर D+9 लिख दीजिएगा, अब 2πr आप ऐसे लिखिएगा 2πr, और आप जानते हैं कि ये D का मान आप 2R जानते हैं, प्लस में 9 रहेगा, इसको आप इधर ले आइए, निकालना आपको R का मान है, तो 2R को इधर ले आइए, तो 2πR - 2R = 9,
इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो 2r कॉमन ले लीजिए तब पाई माइनस 1 बचेगा बराबर 9। अब थोड़ा सा आपको इसको सोल्व करना होगा क्योंकि r का मान निकालना है, तो 2r छोड़ दीजिए, पाई का मान जानते हैं 22 बटे 7 माइनस 1 बराबर 9। फिर इसको ऊपर ही बनाते हैं, 2r 22 बटे 7 यानी 7, 22 माइनस 7 बराबर 9। 2r गुने, एक सेकेंड, 2r गुने कितना बचेगा, 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 7 22, 15 बटे 7 बराबर 9। अब इसको तो आप काट सकते हैं, इसको ऐसे आप कर दीजिए, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको, अब इधर ही बनाते हैं मार्कर चेंज करके, देखिए इसी इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9 से 63, यानी कि 30r बराबर 9 से 63, यानी r बराबर आ जाएगा 63/3, ठीक है, 63/3। इसको आप 3 से तक काट सकते हैं, ठीक है, 3 से आप काट सकते हैं, तो ये 10 बार में ये 3 से कटेगा तो 21/63 होता है, यानी जब 10 से भाग दीजिएगा तो 2.1 आपका आंसर आएगा, तो 2.1 कौन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी वाला सही आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए 42 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर इतना है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एगो और छोटका पाई आर स्क्वायर, दोनों का अंतर मतलब घटाओ कितना दे ले है 100 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है उनकी परिधियों का अंतर भी दे ले है, तो परिधि क्या होता है 2πr और माइनस में 2π छोटका r बराबर 20 सेंटीमीटर, ऐसे। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो पाई कॉमन लीजिएगा तो बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर बराबर 100, और इसमें से भी आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें से तो आप 2π कॉमन ले सकते हैं, तो r माइनस r बराबर 20 बचेगा, ठीक। अब दोनों को ना आप भाग दीजिए, पूछ रहा त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा, तो इस समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इस समीकरण इसको 2 मान लीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो देखिएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब बटा में इधर भाग दीजिए, इसको इससे भाग देना है, तो थोड़ा सा चेंज करके लिखिएगा 2π इंटू आर माइनस आर, अब बराबर भाग दीजिएगा, इधर 100 है इधर 20 है, ठीक है। अब पाई से पाई तो बेचारा टपक जाएगा, अब देखिएगा ध्यान से ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ लगाइए नीचे जगह दिख रहा है आपको स्पष्ट, तो यहाँ लगा दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर, नीचा में क्या है 2 इंटू आर माइनस आर, अब बराबर के बाद 5 आएगा, क्योंकि देखिए 20 25 100 कट जाएगा 5 बार में, तो ये देखिए ये भी आर माइनस आर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर प्लस आर बराबर ये 2 में से 5 से गुना तो 10 हो जाएगा, तो आर प्लस आर मतलब योग फल है ना हुआ, दोनों त्रिज्याओं का योग फल, देखिए उनकी त्रिज्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब आर प्लस आर पूछ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब आइए अब देखिएगा ध्यान से अगला सवाल, ये आपका 43 नंबर सवाल का कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 है, दो को बिंदु के बीच की दूरी कितना है 5 है, तो पूछ रहा है P का मान क्या होगा, तो आप क्या करिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो AB का दूरी आपको 5 दे ले है, तो AB मतलब दूरी सूत्र लगा दीजिए रूट अंडर करके, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपको ऐसे याद होगा, होना चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर के बाद ही तो 5 रहेगा, इसमें आपको मान बैठाना होगा, थोड़ा सा सोल्व करना होगा, ये ऐसे 2 नंबर का होना चाहिए था, x1 माइनस x2 तो यानी 5 में से 2 घटाइए तो 5 माइनस 2, अब उलट के भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और p माइनस 0 का स्क्वायर अब बराबर के बाद 5, दोनों तरफ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये पी स्क्वायर बराबर 5, रूट हटाने के लिए वर्ग कर दीजिए तो 9 प्लस पी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9 प्लस में है तो इधर आके माइनस, पी स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटाएंगे तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस 4 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी वाला सही वाला आंसर है, ठीक है। आइए 44 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे ले हैं, तो पूछ रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो एकदम सेम चीज आप ऐसे ही याद रखिएगा जैसे क्षेत्रफल में बताए थे, त्रिज्याओं का अनुपात कहने का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है पाई आर स्क्वायर अब बटा में पाई आर स्क्वायर छोटका आर स्क्वायर बराबर 36/49 दे ले, मान लीजिए कोई बड़ा छोटा कोई हो सकता है, बड़ा तो नीचे वाला ही है, पाई से पाई टपक गया, और अनुपात पूछ रहा है तो आर बटे आर, इधर स्क्वायर दोनों तरफ है तो इधर वर्गमूल निकाल दीजिए रूट अंडर 36/49, यानी कि 6/7 आपका आंसर आएगा, यानी कि 6:7, तो 6:7 ऑप्शन बी है, या डायरेक्ट अभी आपको बताया थे कि क्षेत्रफल का अनुपात दे ले है, त्रिज्या का पूछ रहा है तो बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा ट्रिक से ऐसे।
वर्गमूल निकालिएगा तो 36 का और 49 का, तो 36 का 6 और 7, 49 का तो 7 हो जाएगा, तो 6 और 7 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 45 नंबर सवाल का क्या कर रहा है, 45 नंबर कह रहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है कि बिंदु पी, तो एगो पहले आप वृत्त बना लीजिए ऐसा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक। कह रहा है कि बिंदु पी से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा पी टी खींचा है, स्पर्श रेखा खींचना है, तो चलिए को यहाँ पे इसे बनाते हैं, और स्पर्श रेखा यहाँ से मान लीजिए ये वाला है आपका स्पर्श रेखा, यहाँ से इसे मिला देते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट जो है आपका पी टी का है ना, ये पॉइंट पी है कि बिंदु पी से, यानी पी से, और ये आपका ऐसे ये त्रिज्या है, ठीक है, ये 7 है और ये आपका 24 है, और यहाँ से यहाँ एगो मिला दीजिए, और आप जानते हैं कि यहाँ स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90, तो ये कर्ण हो गया, और ये आपको दिखाई दे रहा है 7 है, ये 24 है, तो कर्ण निकालना है, तो एच बराबर आप जानते हैं सब लोग, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका मान आप निकाल दीजिए, तो बताइए पी का मान कितना लिखेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, अब इसी 24 का स्क्वायर आप जानते हैं 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49, जोड़ जाड़ करिए 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6, 625 का कितना आता है, 25 होता है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब आइए यहाँ पे 46 नंबर कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे ले और क्षेत्रफल, देखिए इस बार उल्टा पूछा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात मतलब आर वन बटे आर टू दे ले 2/3, ठीक है, दो अनुपात हटता है तो बटा, क्षेत्रफल अनुपात पूछ रहा था, पाई आर वन स्क्वायर ऐसे आर वन बटे ऐसे, स्मॉल भी लिख सकते हैं कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो चलिए हमें स्मॉल ए लिख दिए तो स्मॉल ए लिखते हैं, तो पाई आर वन स्क्वायर बटे पाई आर टू स्क्वायर, इसका अनुपात तो पाई से पाई तो टपक ही गया, तो आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, आर वन आर टू का मान कितना है 2/3, तो 2/3 का वर्ग यही बोले हैं 4/9 आपका आंसर आएगा, तो 4/9 आपका ऑप्शन बी सही है, या आप ऐसे भी डायरेक्ट आपको बताते हैं, देखिए त्रिज्या का अनुपात दे ले क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर दीजिए इसको ट्रिक से, तो ऐसे वर्ग करिएगा तो कितना 4/9 हो जाएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना, ठीक है। आप 47 नंबर कह रहे हैं साइन 52 डिग्री या कॉस 38 डिग्री, तब किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या साइन, ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 52 बचेगा, तो 38 घटाइएगा ना तो बच जाएगा, और ई कॉस 38 को जिंदा छोड़ दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो कॉस 38 माइनस कॉस 38 ही रहेगा, कॉस 38 में से 38 घटेगा तो 0 आएगा, एक बार जोड़ कर देख लीजिएगा कि पहले इसको बनाने से पहले 52 38 को जोड़ कर देख लीजिएगा कि 90 पूर रहा है कि ना, 8 2 10 5 3 8 1 9 90 पूर रहा है, इसका मतलब एकदम सेट है, ओके चेंज करना है एगो को छोड़ देना है, ठीक है। अब आइए 48 नंबर कह रहा है यदि किसी वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर है, जैसे ये वृत्त है ठीक है, केंद्र ही वाला बीच में है, कितना सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर है, पहले ही कह दिया कि बिंदु पी पर स्पर्श, पी से स्पर्श रेखा खींची गई जेकर लंबाई कितना है 12, यहाँ से मान लीजिए स्पर्श रेखा इसे खींचा और ये आपका त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया तो अभी जस्ट बताया था यहाँ पर क्या डिग्री कोण बनता है 90, तो ये कितना का है 12, ये 13 है ये 12 है, तो ये त्रिज्या पूछ रहा है आर, तो त्रिज्या क्या होता है 90 है, तो ये 13 में से मतलब समझिए बी का मान निकालना है, मतलब बी मतलब आर, तो रूट अंडर 12 वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा ऐसे, तो कितना होगा 13 के स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अब आइए भाई 49 नंबर कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक घड़ी है, घड़ी बना लीजिए यहाँ से यहाँ लंबा कितना है आर के मान 14 दे दिया है, और इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, कै मिनट में 15 मिनट में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थीटा पता होना चाहिए, तो एक थीटा जो है एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है 6 डिग्री का, एक मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 15 मिनट में 15 × 6 = 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कैसे निकालते हैं 6 डिग्री कैसे आया, तो 360/60 से भाग दीजिएगा, 60 से कटेगा तो 6, यानी एक मिनट में आप याद रखिएगा एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन ये कै मिनट पूछ रहा है 15 मिनट, तो थीटा बराबर कितना आएगा 15 × 6 = 90 डिग्री बना। अब आप याद कीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, लिख दीजिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना बन रहा है थीटा बटे 360 × πr², ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अब थीटा के मान 90/360 और गुने पाई के मान 22/7 और आर के मान आपको दे ले है 14, तो 2 × 14 लिख दीजिएगा,
ये देखिए 9 चक 36 चार से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 पैसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 से फ्री काट दीजिए इसको 7 से ऐसे, तो कितना बचेगा, ये वो 22 बच रहा है, वो 7 बच रहा है, थोड़ा सा ये पेंट करके दिखा देते हैं, एगो 22 बच रहा है और एगो 7 बच रहा है, तो 22 7 54 से होता है, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 50 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपका 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 है, तो ये फॉर्मूले काम कर जाएगा 1, तो इसको बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, लेकिन अगर आपको बनाने का इच्छा है तो भाई सेक 30 का मान याद कीजिए, तो सेक 30 होता है कॉस 30 के उल्टा, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो उल्टेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, माइनस टेन 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा में सीधा 3 और 1/√3 क्योंकि रूट का स्क्वायर हट जाता है, अभी घटाएंगे तो कितना आएगा 4 - 1/3, तो 3/3 कट कुट के कितना आता है 1 आता है, तो बनाने के चक्कर में क्यों पढ़ना, जब डायरेक्ट आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इस तरह से आप आराम से इसका फॉर्मूला ही लगा दीजिएगा, ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अभी हमने आपको 50 क्वेश्चन बना दिया और 55 मिनट हो गया, अगर आप अभी से फिर 50 क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें लगता है बहुत लंबा समय हो जाएगा, आराम आराम से बताएं इसलिए आपको समय लगा, फिर हम आपको ऐसा करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से लेके हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट 51 नंबर से 100 नंबर तक बता देंगे, अगर आपको समझ में आया है अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, थैंक यू।